नमस्ते, नाम केशव यादव है मेरा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। पब्लिक स्टेशन की टीम इस वक्त पटना स्टेशन पे है और पटना स्टेशन जो सबसे बढ़िया स्टेशन है बिहार की राजधानी है पटना। और पटना स्टेशन की स्थिति देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे स्टेशन को देखा होगा जिस स्टेशन की स्थिति ऐसी हो गई है, जो छात्र जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे वो स्टेशन को आग के हवाले कर दिए। कई ऐसे ट्रेन हैं जिसे फूंक दिए, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को इतना तैनात कर दिया गया है। पीछे में आप देखिए वर्ज देखिए, वरुण देखिए, वाटर कैनन की गाड़ियाँ देखिए, इधर भी एक गाड़ी लगी हुई है। प्रशासन की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगा दी गई है और प्रशासन यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। इसलिए एक्टिव है क्योंकि जो छात्र हैं जो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेनों को जला दिया गया है, तो तमाम तरह की परेशानियाँ बढ़ गई है। इस वक्त हम पटना स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ की स्थितियाँ को दिखाना चाहेंगे कि पटना स्टेशन पर स्थिति कैसी है, यहाँ पर छात्र हैं या नहीं है, यहाँ पर प्रशासन कितनी एक्टिव है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं हम उन लोगों से भी बातें करेंगे और हम उन खास करके उन छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति ढंग से भी प्रदर्शन हो सकता है। उस तरह से अगर प्रदर्शन करिएगा तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उन लोग को भी काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं पटना के स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख लीजिए आप लोग। जो लोग हैं काफ़ी चिंतित हैं, इन लोगों का ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, मजबूरन ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई ट्रेन मिल नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर बैठे हुए। कहाँ से आए थे आप? कहाँ से आए? कटिहार से आए। कटिहार से कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। ट्रेन है? जी सर नहीं है ट्रेन, सब रद्द कर दिया गया है। रद्द कर दिया गया है तो फिर कटिहार से आए हैं, फिर अब कटिहार ही जाइएगा? जी सर वही इरादा है, आप देखिए अभी अब लास्ट इरादा वही है। जी वही इरादा है। तो देख लीजिए, जो छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो TOD को लेकर के टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से अपील है कि इस तरह से प्रदर्शन ना करें ताकि बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ ना बढ़े। ये बिहार के पटना राजधानी की तस्वीर है, पटना राजधानी में आप देख लीजिए कितने लोग, और बिहार की सबसे बढ़िया स्टेशन पटना जंक्शन, पटना जंक्शन की ये तस्वीरें आप देखिए कैसे लोग मायूस बैठे हुए हैं और सारे लोग के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। कोई नहीं चाहता है कि वे लोग इस तरह से बैठे, ये लोग मजबूरन यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ बैठे, लेकिन क्या करें, जब इनका ट्रेन ही रद्द कर दिया जाएगा तो आखिर में ये करेंगे तो करेंगे क्या। ये लोग वैसे अमीर लोग हैं नहीं, ये लोग सभी कोई बस एक मिडिल क्लास फैमिली से है और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग सही सलामत अपने घर चले जाएं, लेकिन क्या करें मजबूर हैं। जो छात्र हैं उन छात्रों से अपील है कि आप करोड़ों कईन करोड़ के संपत्ति को आग के हवाले कर दिए, ये कहीं से सही नहीं है। आप सीखना है तो सीखिए ना उन किसानों से जो 9 महीना तक सड़कों पर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे, उन लोगों से सीखना चाहिए। ये जो आप लोगों ने ट्रेन कल जलाया है, जो भाजपा के कार्यालय में जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं उनके घरों पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, नवादा के कार्यालय में जो आग लगा रहे हैं, इस तरह से तमाम खबरें आ रही हैं कि बिहार के अलग अलग जिला में जाकर के आप लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो ट्रेनों को रद्द कर रहे हैं, ये सही नहीं है। उग्र प्रदर्शन करना कोई समस्या का हल नहीं है, सरकार आपके बातों का सुनती है। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी से जाने वाले कहाँ हैं? वाराणसी जाना है। वाराणसी जाने वाले हैं जी। तो क्या लग रहा है, ट्रेन है अभी? नहीं, सारी ट्रेनें तो कैंसिल हो गई हैं। हाँ। वेट कर रहे हैं, अगर उस रूट पे कोई ट्रेन अगर चलती है तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं। अभी IRCTC का वेबसाइट ही चेक कर रहे हैं? वेबसाइट पे ही चेक कर रहे थे, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। एक बात बताइए भैया, जो टिकट किया था वो भी कैंसिल हो गया। जो TOD लाया गया है, टूर ऑफ ड्यूटी लाया गया है, ये एक छात्र के हैसियत से आप देखिए तो ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। भाजपा थोड़ा सा बैठ जाए। हाँ बिल्कुल बैठ जाए। ये भाजपा जो है पहले कोई स्कीम ला देती है, बाद में कहती है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, किसानों के लिए किसान बिल लाई, उसके बाद कहती है कि हम समझा नहीं पाए, ये किसानों के हित के लिए था। जो ये स्कीम लाई है अग्निपथ अग्निवीरों के लिए लाई है, इसे भी समझा नहीं पा रहे। तो इसकी जड़ भी तो हम ही हैं, मेजॉरिटी में तो हम ही बैठे हैं भाजपा को। ठीक, हम ऑप्शन ही नहीं छोड़े हैं कि हम विरोध खड़ा करें। विपक्ष, सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष तो अपने में ही अपनी ही कमियां खोजने में तुला हुआ है, विरोध कहां से करेगा। और भाजपा को वहां बैठा है तभी तो भाजपा ऐसा डिसीजन ले रही है, सब जगह तो हम ही बैठा के रखे हैं। और ये ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है, अग्निवीर आया है, आप कोई भी लॉ उठा के देख लीजिए, भाजपा लाती है। भाजपा ये भी नहीं कहती कि हम इस पर बहस करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे या फिर हम बहस करने के बाद डिसीजन लेंगे। भाजपा चीज़ों को पहले से ला के रखी हुई है, राष्ट्रपति की मोहर लगी है, बस वो अनाउंसमेंट, वो लोकसभा में एजेंडा तय कर लिया गया है कि क्या क्या आएगा, कब कब आएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, सब बना के रखा है, राष्ट्रपति की मोहर साइन सब करा के बैठे हुए हैं। हाँ। वो बस आते हैं लोकसभा विधानसभा में, पढ़ते हैं कि हाँ तुम जान लो ये चीज़ हमने ला दी है, बस ये पहले ही सेटिंग हो। हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम कोई पक्ष विपक्ष की वोटिंग नहीं करने वाले हैं। ये आ गई है, मानो तो भी तुम्हारी है, ना मानो तो भी तुम्हारी, हमने बस ला दिया, इससे मतलब है।
बिहार में जिस टाइप के उपद्रव हुआ है, बलिया में हुआ है, गाजीपुर में हुआ, तो चीज़ें बखूबी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अग्निवीर जो भी आया है, अग्निपथ जो स्कीम आई है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें सम्मिलित होने के लिए, हम वहाँ जाने के लिए कर रहे हैं। और ये डिसिप्लिन वहाँ का नहीं है, ये डिफेंस का डिसिप्लिन नहीं है कि आप तोड़ दो फोड़ दो। देखिए, डिफेंस की ये डिसिप्लिन नहीं है कि देश के संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाए, और जो डिफेंस में जाना चाहते हैं वे लोग देश के संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक आंकड़ा हम आज सुबह में देख रहे थे कि दानापुर रेलवे स्टेशन पे 241 करोड़ के सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जो हरगिज सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये हमारा रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। कैमरा के पीछे हर पल साथ देने वाले पंकज हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।